फ्रेंड्स, पिछले महीने मैंने अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत जल्द पीएम इंटर्नशिप स्कीम ओपन होने वाली है जिसमें अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को जो है जॉब दिया जाएगा। और मैंने कहा था कि बहुत जल्द जो है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ ये है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुका है। अब इसे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की आखिरी डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में। तो मैं फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हर एक नया अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं उन्हें जॉब दिए जाने के लिए बनाया जा रहा है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि इसे कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लोग जिनकी क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं सिर्फ वही लोग इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 10th स्टैंडर्ड पास हैं, 12th पास हैं, इसके बाद IT ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स हैं, उसके बाद BA, BCom, BPharma, ऐसे कोर्स करके जो लोग हैं और जो जॉब की तलाश में हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें जो है हिंदुस्तान के अलग अलग 500 बड़े कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब अपॉर्चुनिटी देने के बाद जो है एक साल तक उन्हें वहाँ पर इंटर्नशिप करना है। अब इस एक साल में उन्हें हर महीना जो है 5,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें गवर्नमेंट की सैलरी 4,500 रुपये होगी और 500 रुपये जो है कंपनी की तरफ से दी जाएगी। टोटल 5,000 रुपये जो है माहाना मंथली उन्हें जो है पेमेंट दिया जाएगा और एक साल ख़त्म होने के बाद जो है 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब एक साल के बाद अगर उनका काम, उनका जॉब उस कंपनी वालों को पसंद आता है तो उन्हें वो परमानेंटली जो है अपॉइंट कर लेते हैं। जी हाँ, परमानेंट आप अपॉइंट हो जाएंगे वहाँ पे अगर कंपनी वालों को आपका जॉब पसंद आया, अगर आपका जॉब उन्हें पसंद आया। अब यहाँ पर IIT वाले हैं, NIT वाले हैं, IIM हैं, इसके बाद MBA, CS, CA, MBBS, BDS, ऐसे कैंडिडेट्स इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ये एलिजिबल नहीं है। सिर्फ SLC, PUC, डिग्री, ITI, उसके बाद जो है डिप्लोमा होल्डर सी जो है इसे एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 अक्टूबर 2024 है। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है, बहुत ही कम वक्त दिया गया है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए से तमाम अनएम्प्लॉयड यूथ को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, इंटीमेट करना चाहता हूँ कि आप इसे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपका फ्यूचर का सवाल है, आपको पेमेंट भी मिलेगा, इंटर्नशिप भी दी जाएगी और जो है अगर आपका काम अच्छा लगा तो बड़ी कंपनीज यानी 500 बड़ी कंपनीज जैसे ITC, रिलायंस, टाटा ग्रुप, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, साथ में महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान अनइलीवर, ICICI बैंक, HDFC बैंक, के तमाम कंपनीज में उन्हें काम दिया जाएगा अगर उनका काम उन्हें पसंद आया। तो फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर को है। अब यहाँ पर एज लिमिट बहुत ही मायने रखती है। जी हाँ, सिर्फ एज लिमिट ही है जो कि बहुत कम है, इसे सिर्फ वही यूथ्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में हो। जी हाँ, 21 to 24 ईयर्स के दरमियान जो यूथ्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया वैसा है, तो वही कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे अप्लाई करने के लिए आपको www.pminternship.mca.government.in वेबसाइट में विजिट करना है, जिससे कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ पर जाकर जो है आप रजिस्टर कर लें, जैसा कि आपके स्क्रीन में चल रहा है रजिस्टर कर लें। और उसके पास ही नो मोर का ऑप्शन है, वहाँ पर आप यूज़र मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना अकाउंट रजिस्टर करके जो है आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ एक साल के लिए चलेगी इंटर्नशिप, एक साल के बाद अगर आपका काम कंपनीज वालों को पसंद आ गया तो वो आपको जो है परमानेंटली अपॉइंट कर लेंगे। तो मैं फिर एक बार तमाम कैंडिडेट्स को जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच में है और जिन्होंने जैसे कि मैंने कहा कोर्सेस कंप्लीट किए हैं, उनको चाहिए कि एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर सबमिट करने के दौरान कुछ डाउट्स आए तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2024 अभी 8 दिन आपके पास हैं। अब जाएं ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर डिटेल्स ले लें।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। तो तमाम यूथ जो है इसे अप्लाई करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।